नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रो चिन्मय गेमर में। और आज मैं अलग सा गेम लेके आया हूँ। ये मतलब मैंने नहीं बनाया है, मैं का गेम बनाने वाला हूँ। तो ये मैं BGMI के लिए वैसे चल रही है, क्योंकि एक वो नया गेम थोड़ा टेम अभी अर्ली एक्सेस में है। अभी तक वो इतना फाइनल उसका ओरिजिन आया नहीं है। उस गेम का नाम है बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन गेम है, उसमें स्टोरी मोड भी है, बैटल रॉयल मोड भी है। उसका स्टोरी मोड अभी तक अंडर डेवलपमेंट में है, तो स्टोरी मोड तो नहीं चलेगा। उसका बैटल रॉयल मोड में मैंने TDM खेला है, बस दूसरा वो मोड नहीं खेला। चलता है कि नहीं मैंने वो भी चेक नहीं किया। बस सुबह सुबह इसको डाउनलोड किया। ये लॉन्च हुआ है 31 जुलाई को लॉन्च हुआ है, और दोपहर को 2-3 बजे तो लॉन्च हुआ ही होगा। मेरा नेट ख़त्म हो गया था, वरना मैं इसको डाउनलोड करके कल ही वीडियो 31 जुलाई को बना देता। आज वैसे 1 अगस्त है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। इसके वैसे क्लिप्स में जोड़ देता, वीडियो में बना देता, लेकिन वो क्या होता है उसमें बीच बीच में जो है स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाता है, तो मेरे को प्रॉपर से 10-20 मिनट की वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ करना। लेकिन 1-2 मिनट कि मैंने सोचा कि चलो एक दो मिनट की क्लिप्स बना के डालते हैं, जितना अच्छा हो। क्या क्या पता ये इसका वैसे ही अर्ली एक्सेस में और टेस्टिंग में चल रहा है अभी तक, इसका फाइनल ये वर्जन नहीं है। फाइनल वर्जन में कैसे परफॉर्म करेगा आप ही सोच लेना। इसमें नए कंसेप्ट डाले हैं, पबजी न्यू स्टेट से तो बेटर ही है। पबजी न्यू स्टेट में क्या है, पबजी PC को ही पबजी न्यू स्टेट बना दिया, बस थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए और लो पबजी न्यू स्टेट तैयार। पबजी PC ही है, उसकी मूवमेंट वगैरह सब कुछ पबजी PC का है। और अपेक्स लेजेंड्स की बात करो तो PC का गेम है। PC का गेम इन लोगों ने मोबाइल पे लाया, उसका कितने सारे वर्जन्स आए, जिन्होंने वो वर्जन्स के लिए उनको पता होगा अल्फा बीटा फाइनल वर्जन में भाई क्या गेम वो पूरा क्रैश हो जाता था। लेकिन ये गेम बिल्कुल भी क्रैश नहीं हो रहा है। मेरे को तो अभी तक कोई क्रैश का प्रॉब्लम नहीं है। TDM खेलता था तब भी क्रैश होता था, FPS ड्रॉप्स आते ही थे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होने के बावजूद भी इन लोगों ने इतना ढंग से मतलब गेम बनाया नहीं है। और ये एक इंडियन ये गेम डेवलपर है, नाम तो अभी तक मैंने देखा नहीं वो डेवलपर्स का। लेकिन न्यू गेम बनाने के मामले में तो बेटर है ना, कम से कम उन्होंने PC के गेम्स बनाए, PC के गेम्स मोबाइल पर लाए, लेकिन ढंग से नहीं ला पाए। जबकि इन्होंने खुद का गेम बनाया जो बहुत ही ज़्यादा बेटर निकला है, मेरे को तो बहुत बेटर लग रहा है। मैं बैकग्राउंड में वैसे उसकी क्लिप्स जोड़ दूंगा। बाकी के गेम में तो आपको दिन और रात देखने को मिल जाएगी, मतलब बाकी गेम में नहीं मिलती, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी के गेम में अगर आप देखोगे तो दिन और रात का कोई सिस्टम नहीं होता है, जबकि इसमें दिन और रात का भी सिस्टम है। और वेदर भी चेंज होता रहता है, कभी बर्फ़ पड़ रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी तूफान आ रहा है। टेस्टिंग में भी थोड़ा ठीक चल रहा है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन कौन सा ऐसा स्टार्टिंग का गेम होगा जो जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कौन सा, आप ही बताओ। आप भी जब मान लो BGMI आप याद करो, जब आप PUBG वगैरह खेलते थे शुरुआत में, तब क्या आप प्रो बंदे थे, क्या आप अकेले ही सारे स्क्वाड को धोने का वगैरह ऐसा कर सकते थे? नहीं, आप बंदों से आराम से पिट जाते थे। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद थोड़े इम्प्रूव हो गए ना, वैसे ही कुछ है, वैसे ही गेम्स का भी है। शुरुआत में हर गेम बकवास ही होता है, लेकिन बाद में वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये वैसे इसका ये टेस्टिंग वर्जन है अर्ली एक्सेस में। आप चाहो तो जाके खेल सकते हो, प्ले स्टोर पर बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस सर्च कर लेना, आपको ये मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। तो ये वैसे बैकग्राउंड की क्लिप है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है ग्राफिक्स है, और थोड़ा सा तूफान, ये देखो बिजली कड़क रही है, और ये क्या मैं मर गया पक्का। अरे भाई शांति से गेम का एनवायरनमेंट भी देखने को नहीं दे रहे। वैसे ये बॉट है या प्लेयर है पता नहीं, मैंने जब डाउनलोड किया तो 500+ डाउनलोड जैसे दिखा रहा था। बिजली कड़क रही, क्या दूसरे किसी गेम में आपको मिला है? दूसरे किसी गेम में आपने ऐसी बिजली कड़कते हुए, कभी बारिश हो रही है, कभी बर्फ़ पड़ रही है, कभी ऐसे तूफान आ रहा है, आपने देखा? मैंने तो किसी गेम में नहीं देखा कि भाई तूफान आ रहा है वगैरह, कुछ ऐसा तो मैंने कुछ देखा नहीं। हाँ वो BGMI का एंशिएंट अराइज मोड है, उसमें सिर्फ मोड एक्सक्लूसिव ऐसे क्या बोलते हैं, वो सैंड का तूफान, सैंड स्टॉर्म आता है, और वो भी सिर्फ लॉबी में, बाकी गेम में ऐसा कुछ भी नहीं है। गेम में कोई दिन रात का सिस्टम नहीं है, गेम में बस वो जो जॉम्बी का मोड था ना रेसिडेंट ईवल 2 के साथ जब इन लोगों ने कोलैब किया था, तब जो मोड आया था जॉम्बी मोड, तो उसमें बस थोड़ी सी दिन और रात का था।
दिन और रात का सिस्टम था, इसमें बादल भी आसमान में दिख रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं था, बस नीला नीला आसमान दिखता था। अरे ये शुरुआत का गेम है, तो शुरुआत में तो ऐसे हर गेम का प्रॉब्लम होता ही है ना, शुरुआत में तो हर गेम का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर एपेक्स लेजेंड्स, देखो मैंने एपेक्स लेजेंड्स खेला है और लेकिन डिलीट भी कर दिया, मेरे को लगा था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा गेम होगा, नए कंसेप्ट का गेम है, बुरा नहीं होगा गेम, लेकिन भाई क्या है ये, इतने वर्जन्स है। मैंने रैंक्ड मैच लगाई, लैंडिंग के टाइम पर सीधा कराई, और एक बार है तो ऐसा हुआ था कि जब लैंडिंग हुई तब भी गेम क्रैश हो गया। और यहाँ पर लाइट स्पीड स्टूडियो का जो है पबजी का कोरियन वर्जन आप खेला होगा, तो पबजी का कोरियन वर्जन में उसका नाम है, पबजी का कोरियन वर्जन अगर आप ऑन करोगे तो उस कोरियन वर्जन में जो है लाइट स्पीड स्टूडियोज नाम आ जाता है। अब आप ही कंपैरिजन देखो, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ पीसी के गेम्स मोबाइल पर ढंग से ला नहीं पाई, वहीं पर ये गेम जिन्होंने कभी जिनको गेम बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक तो एक्सपीरियंस होगा नहीं। अगर आप फिर मैं याद करो, जब आप पबजी पहले खेलते थे तब तो आप बंदूक के हाथों से पीटते थे, अब आप उनको पीटते थे, मतलब पबजी के बारे में जगमों पर नमक छिड़क रहा हूँ, माफ करना मेरे को, ऐसे सभी लोग पबजी खेलते थे ना, ज़्यादा लोग ज़्यादातर लोग पबजी खेलते, तो मैं पबजी का ही ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जहाँ पर आप पबजी वैसे खेलते थे शुरुआत में तो आप बंदों से पीट जाते थे, लेकिन अब तो आप उन बंदों को पीट देते होगे। बहुत सारे लोग जो है इस गेम को जो पबजी के साथ ही कंपेयर करने लगेंगे और कमियाँ ही निकालेंगे, कुछ लोग ऐसे होते ही बस हर चीज़ में कमियाँ निकालने की कोशिश करते हैं और बोलेंगे क्या ये जोकर वाली हरकतें कर रहा है, सस्ता स्पाइडरमैन डाल दिया इस गेम में, और फिजिक्स ही नहीं है, इतने ऊपर से कूदा लेकिन मरा नहीं। भाई मेरे ये टेस्टिंग फेज़ में है, अभी तक इसमें इतने अपडेट्स नहीं आए, आगे आने वाले अपडेट्स में क्या पता ये सब कुछ फिक्स कर दे। जैसे कि अभी सीढ़ियों पे देखो मेरे को ढंग से ऊपर चढ़ने को नहीं मिल रहा है, जंप करके जाना पड़ रहा है, लेकिन कम हो जाएगा ना, क्या पता अपडेट्स नहीं आ सकते क्या। इस गेम को आप अपना इस गेम को टाइम और सपोर्ट दोनों की ज़रूरत है, अगर आप इसको टाइम और सपोर्ट ही नहीं दोगे, आप बोलोगे कि भाई मैं तो पबजी मल्टीप्लेयर खेलूँगा, मेरे को तो भाई अपने एरेंगल से प्यार है, तो भाई कैसे चलेगा, गेम डेवलपर थोड़ी इसको इम्प्रूव करेंगे, वो तो सोचेंगे ये सोच के बंद कर देंगे गेम कि कोई खेल नहीं रहा, अपग्रेड करके इसको इम्प्रूव करके क्या करेंगे। आप अगर गेम खेलोगे तो उनको एक मोटिवेशन मिल जाएगा एक तरीके से कह लो कि हाँ लोग खेल रहे हैं तो हम इस गेम को जो इम्प्रूव करेंगे, ये इसकी वेरी हाई की सेटिंग है, वेरी हाई पे इतना है, तो सोचो अल्ट्रा पे क्या करेगा ये। अल्ट्रा पे मेरा चलता है लेकिन मैंने डर के मारे गेम का ये मतलब FPS ड्रॉप्स ना हो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद ना हो इसके मारे मैंने, मेरे को ये पता नहीं था, मेरे को लगा था अल्ट्रा पे चलेगा ही नहीं मेरा गेम, मेरे को लगा था मेरा गेम अल्ट्रा पे चलेगा नहीं, लेकिन भाई ये अल्ट्रा को सपोर्ट कर रहा है। अब इसमें एक्सट्रीम की सेटिंग आएगी कौन और कोई ग्राफिक सेटिंग आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन इसको टाइम तो दो। इसमें इंडियन फील भी दिख रहा है, ये देखो जैसे जॉयस्टिक के साइड में अगर आपको गोल दूसरी रिंग दिख रही है तो देखो उसमें एक नक्काशी दिख रही है अच्छी खासी, और इसमें गन को थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ रहा है वगैरह कुछ, तो FPP में थोड़े से प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये फिक्स हो सकते हैं। अगर आप इस गेम को खेलोगे नहीं, बकवास ही करते रहोगे तो कैसे चलेगा, एक बार ट्राई करके देखो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम बिल्कुल अच्छा लगेगा, हम बहुत ही अच्छा लगेगा भाई। आप सीधा गेम डेवलपर को बोलोगे इसके नए अपडेट्स लाओ, इसमें हमको ये गेम खेलना है, इसका एक लाइट वर्जन भी निकालो अगर 3GB में नहीं होगा तो, ऐसा आप खुद ही बोलोगे। एक बार ट्राई करके देखो इस गेम को एक बार, क्या पता है गेम इम्प्रूव हो जाए और ज़्यादा बेटर हो, ये ज़रूरी है क्या। माना पबजी जो है आया, उसने एक नया ई स्पोर्ट्स सेट कर दिया, स्पोर्ट्स ट्रेंड सेट कर दिया, अब स्पोर्ट्स अगर नाम लेते हैं तो हर कोई सिर्फ पबजी खेलते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंडिया में इंडिया का खुद का एक बैटल रॉयल गेम बने, वो सिर्फ नाम का बैटल रॉयल गेम, बैटल ग्राउंड था पबजी, असली में इंडिया का तो था नहीं, जबकि ये इंडिया का ही खुद का गेम है, और इंडिया के खुद के गेम में जो है क्या पता क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया ही खुद के देश में अच्छे खासे गेम्स बनाए और उन्हीं गेम्स को जो है हर कोई खेले, ऐसा नहीं हो सकता क्या।
इसको आप अपना टाइम दो, फीडबैक दो, इनको इनकी कमियां वैसे बताओ कि क्या इनको इम्प्रूव करना चाहिए। मुझे नहीं, मेरे कमेंट में कुछ मत लिखना, उनके प्ले स्टोर पर जाके रिव्यू का ऑप्शन आएगा, पहले डाउनलोड कर लो ये मत, सीधा डाउनलोड करने से पहले ये गेम प्ले देख के ये मत बोलो कि यह गेम बकवास है, काय को गेम बनाया, नहीं बनाते तो ये अच्छा था, ये तो पबजी है ही नहीं। अरे भाई पबजी बनाएंगे ये तो क्या होगा, क्राफ्टन वाले क्यों बैठेंगे, क्राफ्टन वाले सीधा केस ठोंक देंगे कि हमारा गेम कॉपी कर दिया। भाई हर गेम अपने हिसाब से थोड़ा अलग होता है, एरेंगल वो एरेंगल में स्कूल कोचिंग ये सब कुछ सिर्फ आपको क्राफ्टन के ही गेम्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके राइट सिर्फ क्राफ्टन और टेंशन होगी, टेंशन के पास तो नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन क्राफ्टन के हाथ में तो है। इसलिए पबजी न्यू स्टेट में इन लोगों ने जो है एरेंगल डाल दिया। पबजी न्यू स्टेट में भी कितनी प्रॉब्लम्स आती थी, और पबजी न्यू स्टेट बस कॉस्मेटिक चेंजेस किए, पूरा का पूरा पबजी पीसी है वो कोई नया गेम नहीं है, पबजी पीसी को ही कॉस्मेटिक चेंजेस करके पबजी न्यू स्टेट बना दिया है। आप अगर एक शहर में पबजी पीसी की गेम प्ले चलाओगे, दूसरे में पबजी न्यू स्टेट की गेम प्ले चलाओगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा दोनों की मूवमेंट सेम टू सेम है, मूवमेंट से तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो सच में ऐसा लग रहा है कि भाई ये पबजी पीसी को ही जो है इन लोगों ने पबजी न्यू स्टेट ऐसा बनाया है, ऐसा लगता तो है मेरे को। बस उसमें रोशनी थोड़ी ज़्यादा डाल दी है, लेकिन शुरुआत के मामले में तो अच्छा ही है। इसको अगर आप टाइम और सपोर्ट करोगे तो ही तो कुछ होगा। जहाँ पर एपेक्स लेजेंड्स बस पैसे कमाने के लिए है, मैं सच कह रहा हूँ, एपेक्स लेजेंड्स और बाकी के जो ये गेम है ना, BGM है वगैरह, ये यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते। वैसे गेम को कुछ इनको इम्प्रूव करने के पड़ी नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को गेम प्ले एक्सपीरियंस कैसे मिल रहा है। क्या पता ये वैसे ना हो, गेम प्ले को ये जो है गेम को जो है इम्प्रूव कर दे, गेम को क्या पता है गेम को अच्छे से इम्प्रूव कर दे और हमको भी गेम खेलने में मज़ा आए, और भविष्य में शायद इसी गेम के स्पोर्ट्स इवेंट होंगे। ये UGW की तरह तो नहीं है, UGW में ने तो अपना ढिंडोरा पीट पीट के ढिंडोरा ही फोड़ डाला, इंडिया का दूसरे नंबर का बिगेस्ट ये ड्रोन शो किया, बड़े बड़े यूट्यूबर से प्रमोशन करवाया, यूट्यूब चैनल पर अपनी गन्स की वीडियोज़ डाल दी, कई फोटोज़ वगैरह डाल दिए, जबकि इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। UGW ने ऐसे UGW की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिख के रख लो उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, लिख के रख लो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। सर्वर इशू तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़े से बग हो सकते हैं, ग्लिचेस हो सकते हैं। उसका भी अर्ली एक्सेस आएगा है ना, जब उस गेम का भी अर्ली एक्सेस आएगा तो उसमें भी आई थिंक थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं हो सकते, हो सकते हैं अगर आप उनको सपोर्ट करो, अगर आप उनको बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनको फीडबैक दोगे तो होगा ही। जैसे कि अभी एक फेमस गेम का नाम लेता हूँ माइनक्राफ्ट, उनका जो 1.19 का वर्जन आया था उसके अपडेट में भी जो है फ्रॉग जो डाला था वो स्लाइम के बजाय पूरी की पूरी बकरी खा रहा है, ऐसे प्रॉब्लम थे, लेकिन जब फाइनल वर्जन आया तब तो वो ठीक था, तब तो उसमें ठीक हुआ, क्या पता ये भी इम्प्रूव हो जाए। मैंने इसकी कोई साउंड वाउंड बंद नहीं किया, क्लिप की साउंड जो कि तो है, इसका स्टोरी मोड तो वैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि अभी तक अंडर डेवलपमेंट में है, लेकिन इसमें थोड़ा साउंड भी डालना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लॉबी में भाई म्यूजिक चलता है तो कितना अच्छा लगता है, टेक्सचर्स को भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को प्लीज़ अपने BGMI के दोस्तों के साथ शेयर करना, क्या पता वो भी इस गेम को खेल ले, उनको भी अच्छा लगे। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नए गेम के या फिर इसी गेम के मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।